आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम में बात करेंगे राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर, और जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर इस वक्त सियासी हलकों में, सियासी गलियारों में राजस्थान के काफ़ी चर्चाएं जोरों पर हैं। तो वहीं अब खबर आ रही है टोंक से, जहाँ से जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं एक विधायक के तौर पर, और जिस तरह से टोंक की जनता ने उन्हें बीते साल भर भर के वोट दिए और उनमें श्रद्धा जताई और उन्हें यूनुस खान से ज़्यादा वोट देकर विधानसभा पहुंचाया। वैसे आपको बता दूं कि सचिन पायलट ने पहली बार साल 2018 में जो राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए थे, पहली बार उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था। इससे पहले वो एमपी रह चुके हैं अजमेर से, 2009 और 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था अजमेर से, लेकिन वो हार गए थे। और इसके अलावा वो यूपीए में कैबिनेट का हिस्सा भी रह चुके हैं जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी। चलिए अब बात कर रहे हैं टोंक की। तो टोंक पहुंचे हैं 3 दिनों के दौरे पर सचिन पायलट, तो कर रहे हैं विकास की बातें, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट के लिए हमेशा ही जनता जनार्दन रही है। उनकी अगर शुरुआत की बात की जाए तो 2013 में जब वसुंधरा राजे वहां पर मुख्यमंत्री बनी राजस्थान में, और कांग्रेस की बहुत बुरी दुर्गति से हार हुई है, बहुत बुरी दुर्गति हुई, तो उसके बाद से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सचिन पायलट को सौंपा गया। 5 साल सचिन पायलट ने वहाँ बिना रुके बहुत जी तोड़ मेहनत की, बहुत तरीके से वहाँ पर जनता को ये बताने की कोशिश की कि आखिर मैं भी आपके लिए कुछ हूँ, मैंने आपके लिए जो करना था कर रहा हूँ, और अगर आप मुझे चुनकर विधानसभा भेजते हैं तो मैं आपके लिए और ज़्यादा बेहतर करूँगा। और सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इतनी जिम्मेदारियाँ इतनी बखूबी तरीके से निभाई कि आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन बस ये है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं। हालांकि बात तो बहुत उठी थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने वहां पर कांग्रेस को सींचने का काम किया है, कांग्रेस के लिए उन्होंने जितना काम किया है शायद किसी ने नहीं किया है। लेकिन अशोक गहलोत भी एक वक्त कांग्रेस के एक खेवनहार के तौर पर सामने थे, और वो जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस की वहाँ पर सेवा की है राजस्थान में, या फिर हम राज्य की बात कर लें, केंद्र की बात कर लें, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बात कर लें, जिस तरह से उन्होंने कर्नाटक से लेकर गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीतिकार के तौर पर काम किया है, ये बहुत बड़ी वजह थी कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया राजस्थान में। और उनको दरकिनार करना भी राहुल गांधी को भारी पड़ सकता था, क्योंकि राहुल गांधी उस वक्त बहुत कन्फ्यूज हो गए थे जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, और ऐसे में कहा यह गया था कि राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि भाई सचिन पायलट ने मेहनत की है और जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया मुख्यमंत्री उसको बनाया जाना चाहिए। तब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने उन्हें समझाया कि नहीं, अशोक गहलोत ज़्यादा परिपक्व हैं और सचिन पायलट युवा नेता हैं, तो अनुभव और युवा का जोश अगर मिलेगा तो राजस्थान में बेहतर काम हो सकता है, विकास की गाड़ी वहाँ पर बेहतर तरीके से दौड़ सकती है। और उस वक्त शायद राहुल गांधी ने ये सोचा था कि वहाँ अगर हमारे पास 3 महीने का वक्त है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी पास आ रहे थे, लोकसभा चुनाव भी करीब थे, लेकिन जिस तरह से चुनावी नतीजों में 25 सीटों पर बीजेपी ने फतह हासिल कर ली और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट नहीं ले पाए वहाँ पर कांग्रेसी, तो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सचिन पायलट क्या कर रहे थे, बहुत बड़ा सवाल है कि अशोक गहलोत क्या कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, अभी दोनों के बीच में बहुत मतभेद और मनभेद का दौर भी चल रहा है। अभी बीते दिनों अशोक गहलोत ने कहा था कि उनका बेटा हार गया है जोधपुर से, तो उसकी जिम्मेदारी सचिन पायलट को लेनी चाहिए, फिर उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने कहा नहीं, ये जिम्मेदारी सबकी है और हर किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कहा था अशोक गहलोत ने। अब इसके बाद जिस तरह से कि कांग्रेस के एक विधायक है राजस्थान में, जिन्होंने कहा कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी क्यों लेनी चाहिए, सचिन पायलट को जिम्मेदारी लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार इसके लिए अशोक गहलोत है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदार नहीं होता है। ऐसे में वहाँ पर जिस तरह से सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में गहमा गहमी चल रही है, और इसी में सचिन पायलट फिलहाल किसी बात का जवाब नहीं देते हैं। उनकी एक खूबी मैंने देखी है कि वो जब भी मीडिया के सामने आते हैं बहुत डिप्लोमेसी से सवाल जवाब देते हैं, और कभी भी वो सामने वाले के बारे में अगर उनके दिमाग में कुछ चल भी रहा होता तो वो कभी भी अपनी नाराजगी को व्यक्त नहीं करते हैं। जब मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों में खींचतान का दौर जारी था, तब भी सचिन पायलट ने बहुत विनम्रता से और बहुत शांति से मामले को कहीं ना कहीं हैंडल किया था, और उन्होंने मीडिया को बिल्कुल भी भनक नहीं लगने दी कि हमारे बीच में कुछ खटपट चल रही है। लेकिन मीडिया तो मीडिया है, मीडिया ने भी बात निकाल ही ली कि अशोक गहलोत जो है वो नाराज चल रहे हैं सचिन पायलट से कि वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं जब मैं उनसे ज़्यादा परिपक्व हूँ। खैर, ये पुरानी बातें हैं, लेकिन अब यही पुरानी बातें बहुत ज़्यादा तिल का ताड़ बन रही हैं राजस्थान में, और आने वाले समय में वहाँ पर सरकार और भी ज़्यादा संकट में आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी अब जुगत कर रही है कि जो कुछ विधायकों को तोड़ने की बीजेपी की एक मंशा हमेशा रहती है कि वहाँ कैसे भी सरकार बना लें, और इसलिए अगर शाम दंड भेद भी अगर करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटती है। फिलहाल
सचिन पायलट को लेकर बात कर रहे हैं, टोंक में जिस तरह से पहुंचे हैं और टोंक की जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने बात की है, उन्होंने बहुत सी बड़ी बातें कही हैं जो बताता है कि वो सारी बातों को दरकिनार कर रहे हैं, यानी कि अशोक गहलोत से उनका मनमुटाव या उनकी उनकी जिम्मेदारियों पे सवाल, उनकी कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चुपचाप होकर अपना काम कर रहे हैं, अपने काम से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अब टोंक पहुंचे पायलट ने बहुत सी बातें कही हैं, क्योंकि सचिन पायलट की खूबी है कि वो भी जब भी जनता से इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें कभी भी एक गुरूर नज़र नहीं आता कि विधायक हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और जो वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, अभी भी हैं फिलहाल, तो कभी भी उन्होंने ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि मैंने बहुत कुछ किया है, मेरी वजह से कांग्रेस की सरकार बनी है, मतलब उनके अंदर वो घमंड या गुरूर नहीं है जो शायद अशोक गहलोत में साफ झलकता है। और यही वजह है कि सचिन पायलट बहुत डिसेंट नेता कहे जाते हैं, और मैं एक वक्त शायद एक प्रधानमंत्री की छवि भी देखी जाती थी कि अगर आगे चल के युवा नेता को मौका मिलना चाहिए एक प्रधानमंत्री पद के तौर पर, तो शायद उसमें सचिन पायलट भी उस फहरिस्त में शामिल होंगे। और अगर देखा जाए, अगर कांग्रेस की अध्यक्ष की जिम्मेदारी की बात की जाए, तो शायद राहुल गांधी से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है सचिन पायलट, जिनमें काबिलियत है कि पार्टी को कैसे आगे लेकर जाना है और कैसे कहाँ पर कैसा फैसला करना है और कहाँ पर क्या बोलना है और किस तरह से विरोधी पार्टियों को जवाब देना है। फिलहाल अगर हम टोंक की बात करें, टोंक में पहुंचे चुनाव सचिन पायलट जो हैं वो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पहली लोगों से बात की है, और राजनीति के सवाल पर फिलहाल वो चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा मौका दे मीडिया को जिससे तिल का ताड़ बन जाए, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त जो है अशोक गहलोत सचिन पायलट के में अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं। हालांकि एक स्टार पार्टी में दोनों साथ नजर आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, भले ही साथ साथ वो नज़र आ रहे हैं लेकिन दिल में तो गिले शिकवे हैं, जो कि सचिन पायलट तो नहीं लेकिन हाँ अशोक गहलोत जरूर जाहिर कर रहे हैं। अब बात करते हैं आखिर पायलट क्या करना चाहते हैं टोंक में, और टोंक की जनता को आखिर क्यों खुश होना चाहिए सचिन पायलट के काम से। विकास में कमी नहीं आने दी जाएगी, ये कहना है। पिछले 5 सालों में जो विकास नहीं हुआ है, रोजगार सहित जो कार्य नहीं हुए हैं उनको कराएंगे सचिन पायलट, और लघु उद्योगों के माध्यम से नौजवानों को रोजगार आदि के लिए कार्य किए जा रहे हैं, और नरेगा में गर्मी को देखते हुए सभी नियमों को सख्ती से पालन करते हुए मजदूरों का हर संभव ख्याल रखने पर जोर दिया है सचिन पायलट ने। इसके अलावा कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाना, विकास में बजट की कोई कमी नहीं आने की बात कही है, और उन्होंने कहा है जनता से बात करने के बाद पानी हो, बिजली हो, शहर हो या गांव का विकास हो, और इसके अलावा ट्रांसफर जो समस्याएं हैं, जो वहां की जनता की समस्याएं हैं उसको उन्होंने सुना है, और उन्होंने कहा कानून के दायरे में सबका हम समाधान करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी लोगों ने सचिन पायलट से बात की जन सुनवाई में, वो सारे के सारे संतुष्ट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सचिन पायलट ने तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने अधिकारियों को बोला है कि जितनी यहाँ जनता की जितनी भी दिक्कतें हैं आप उनको दूर करने के लिए अपना एक खाता बनाइए, अपनी एक कार्यप्रणाली बनाइए, अपना एक प्रोसेस बनाइए, मुझे बताइए कि आखिर इन समस्याओं का अंत कैसे किया जा सकता है, ये समस्या जो है इतनी गंभीर है, आखिर इसकी इस समस्या का हल कैसे है, आखिर हमें पानी यहाँ पर लेकर आना है, पानी की सुविधा यहाँ पर जनता देनी है तो कैसे देनी है, बिजली की समस्या है तो कैसे कम करनी है, रोजगार नहीं है तो कैसे कम रोजगार है तो रोजगार नहीं है तो युवाओं को कैसे रोजगार देना है, विकास नहीं है तो आखिर विकास के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता से बात करते हैं, जन सुनवाई करते हैं, पंचायत करते हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकलता है, वो सिर्फ दिखावटी होते हैं, यानी कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। अधिकतर ऐसे नेता आपको करते हुए देखे जाते होंगे कि चुनाव से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ लोग तो जाके खेत में वहाँ पर गेहूँ की फसल भी काटने लग जाते हैं, ऐसे भी नेता हैं, हालांकि बाकी दिन तो कहाँ रहते कुछ पता नहीं रहता, तो ऐसे बहुत से नेता हैं, लेकिन सचिन पायलट शायद उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो शायद करते हैं, और ये तारीफ नहीं है क्योंकि वो काम वैसा करते हैं, और शायद इसीलिए काम ऐसा करते हैं, इसीलिए उनकी तारीफ भी शायद बनती है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से टोंक की जनता ने उनमें श्रद्धा जताई और उनको जिताया टोंक से, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ, टोंक में सचिन पायलट जब चुनाव लड़ने वाले थे, जब उनका नाम वहाँ से फाइनल हुआ, तो हर कोई ये कह रहा था कि वो मुस्लिम एरिया है, टोंक में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या सचिन पायलट वहाँ से जीत पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल था और बार बार ये सबको खटक रहा था, क्योंकि यूनुस खान का भी चेहरा वहाँ पे बहुत डिसेंट नेता के तौर पे था, तो क्या दोनों अगर डिसेंट वर्सेस डिसेंट होगा वहाँ पर, अगर अच्छे नेता वर्सेस अच्छे नेता होगा तो जाहिर सी बात जनता कन्फ्यूज हो जाएगी, और एक तो मुस्लिम एरिया, तो क्या सचिन पायलट वहाँ से जीत पाते। लेकिन सचिन पायलट ने टोंक में ना सब जीत दर्ज की बल्कि भारी वोट पड़े उनको, भारी उन्होंने वहाँ पर प्रचंड जो उनको वोट पड़े, और उन्हें यूनुस खान को एकदम पछाड़ के रख दिया। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि वहाँ पर सचिन पायलट ने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और किस तरह से उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार यूनुस खान को हरा दिया। सचिन पायलट को टोंक में 10,940 वोट पड़े थे,
12 साल असेंबली में जो बीते साल खत्म हुए हैं, और यूनुस खान जो थे बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको उनको मात्र 5,54,169 वोटों से खुद को संतुष्ट करना पड़ा। ये सोचिए कितना बड़ा अंतर है दोनों के वोटों में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान का काम बोलता है, इंसान का नाम कम बोलता है, इंसान का काम बोलता है, काम से इंसान का नाम हो जाता है। सचिन पायलट इससे पहले भी अजमेर की सेवा कर चुके हैं, उनके आगे पायलट शब्द जुड़ा है। उनके पिताजी भी जो उनके फादर थे वो भी कांग्रेसी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था राजस्थान के लिए। तो ऐसे में बहुत सी बातें, जिस समुदाय से सचिन ताल्लुक़ रखते हैं उसमें भी सवाल काफ़ी खड़े किए जाते हैं, लेकिन फिर भी सचिन का ये कहना था, सचिन पायलट का, कि मेरे लिए सभी बराबर हैं, सभी धर्म जाति बराबर हैं और मैं किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के लिए काम करने वाला नहीं हूँ। तो ऐसे में अब कुल मिला के टोंक की जनता फिलहाल बहुत अंदर से खुश होगी कि उन्होंने एक ऐसा विधायक चुना है जो शायद उनकी बातों को सुन रहा है, उनकी समस्याओं का अंत कर रहा है। और जनता को चाहिए क्या, जनता अगर किसी नेता सांसद को चुनती है तो क्यों चुनती है? समस्याएं होती हैं उस इलाके की, उस क्षेत्र की होती हैं, अगर उन समस्याओं का अंत हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन नेता क्या करते हैं, समस्या को लटका कर रखते हैं ताकि वो आने वाले समय तक उनको वोट मिलते रहे। लेकिन जनता भी बहुत समझदार हो गई है। राहुल गांधी का हर शाम अमेठी में देखा होगा, वो स्थायी सीट किसी की नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि वो स्थायी सीट है तो किसी की स्थायी सीट नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती हो, स्थायी सीट किसी की नहीं। काम किया तो आपको यहाँ पर दाम मिलेगा, नहीं काम किया तो आपको जनता पूछने वाली नहीं है। तो फिलहाल सचिन पायलट का काम बोल रहा है टोंक में, और जिस तरह से वहाँ पर जनता उनसे संतुष्ट नजर आ रही है वो साफ साफ बता वो कहीं ना कहीं बयां कर रहा है कि फिलहाल टोंक की जनता जो है बहुत खुश है। और शायद यही वजह है कि शायद आने वाले वक्त में अशोक गहलोत को भी अभी पछाड़ देंगे सचिन पायलट काम के मामले में। और ये भी नहीं कहा जा सकता, जिस तरह से आलम कमान के पास अगर संदेश जाता है सचिन पायलट के कामों का, वैसे भी सबकी रिपोर्ट तैयार होती है, तो क्या पता कि फिर अशोक गहलोत के खिलाफ जिस तरह से माहौल अभी फिलहाल पार्टी में और राजस्थान में बना हुआ है, कल को उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन भी हो जाए। और सचिन पायलट जिस तरह से चुपचाप बिना किसी जवाब के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी मनमुटाव के सिर्फ उसे जनता की सेवा कर रहे हैं, इसका उनको फल मिले। हो सकता है कि कल को हमें मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान के पद पर काबिज होते हुए नजर भी आए, ऐसी संभावनाएं पूरी जताई जा रही हैं। हालात अगर आगे बिगड़े तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। नमस्कार।